इधर सीपीआई ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से अनिरुद्ध कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग के सीपीआई कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट से सीपीआई प्रत्याशी के रूप में अनिरुद्ध कुमार को उतारा जा रहा है। इंडिया अलायंस की ओर से सीपीआई को हजारीबाग सीट नहीं दी गई। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों से सीपीआई प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। दूसरा भी सवाल है, हमने कहा कि अब दूसरे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए नौजवान नेता को अनिरुद्ध कुमार को हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है। और जो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जिस तरह से अपने चुनाव में काम करता था उसी तरह से अनिरुद्ध कुमार को जिताने के लिए भी हम काम करेंगे। सभी इस पूरे संसदीय क्षेत्र माफियाओं से तंग है, माफिया से मुक्ति दिलाने का मेरा पार्टी का संकल्प है। और इस क्षेत्र में जो लूट मचा हुआ है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।